सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने पहुंची बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, पीएम मोदी ने किया स्वागत। राजपथ का नाम बदलने पर राजनीति, कांग्रेस नेता ने किया समर्थन, तो महुआ बोली ये क्या हो रहा है। दक्षिणी राज्यों में आफत बना मानसून, केरल में बाढ़ से 2 की मौत, कर्नाटक में करोड़ों का नुकसान। डाटा संरक्षण बिल पर अश्विनी वैष्णव ने कहा, नए कानूनों से ऑनलाइन दुनिया को और जवाबदेह बनाएंगे। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के उद्घाटन में आतंकी हमले का अलर्ट, बंद रहेंगे इंडिया गेट के सभी रास्ते। मुरादाबाद के होटलों में चेक किया फायर फाइटिंग सिस्टम, लखनऊ के होटल अग्निकांड के बाद अग्निशमन विभाग अलर्ट। मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में मारपीट, 12 से अधिक घायल, छेड़छाड़ का लगाया आरोप, गांव बाननगर में देर रात की घटना। नाबालिग से रेप करने वाला कारपेंटर फरार, मुरादाबाद में रेप पीड़िता ने ऑडियो वायरल होने पर कर ली थी आत्महत्या। लखनऊ के केजीएमयू में आज ओपीडी बंद, हजारों मरीजों के इलाज पर संकट, कर्मचारियों और शिक्षकों का शुरू हुआ आंदोलन। लेवाना होटल अग्निकांड में एलडीए के 22 इंजीनियर जिम्मेदार, लिस्ट में मौजूदा अधिकारी इंजीनियर को क्लीन चिट। ब्रिटेन की तीसरी महिला पीएम होंगी लिज ट्रस, भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराया। काबुल में रूसी एम्बेसी के फियादीन हमला, 2 रूसी समेत 20 की मौत। चीन के सिचुआन में 6.8 तीव्रता का भूकंप, अब तक 30 लोगों की मौत, शहर में कुछ दूर लैंडस्लाइड भी हुआ। दक्षिण कोरिया के कई क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान, हिमानोर में मचा तबाही, हादसों से बचने के लिए सरकार ने कुछ उड़ाने रख दी। प्रधानमंत्री बनने से चूके लीच के समर्थन में आए ऋषि सुनक, कंजर्वेटिव पार्टी को बताया परिवार। एक छोटे कीड़े ने रोक दिया यूएस ओपन का मैच, बॉल गर्ल ने हटाया तो दोबारा शुरू हो सका, नडाल उलटफेर के शिकार। विकिपीडिया में अर्शदीप को खालिस्तान से जोड़ा गया, सरकार ने विकिपीडिया के अफसरों को भेजा नोटिस। शाहीन अफरीदी ने नसीम शाह और हारिस उरफ ने कहा, अब एशिया कप हाथ से नहीं जाना चाहिए। अगर दम है तो रियल अकाउंट से आए सामने, हर्षदीप के बचाव में आए मोहम्मद शमी। कोहली से पंगा नहीं, विराट ने पकड़ी रिजवान की चालाकी, वीडियो हुआ वायरल। रणवीर के टीचर के रोल में नजर आएंगे अमिताभ, फिल्म में साइंटिस्ट बनेंगे शाहरुख। लाल बागचा राजा का आशीर्वाद लेने पहुंची काजोल, येलो साड़ी में दिखी बेहद खूबसूरत, एलिगेंट लुक देख फैंस हुए इंप्रेस। राधिका मदान ने की नई फिल्म की अनाउंसमेंट, शेयर किया हैप्पी टीचर डे का फर्स्ट लुक, 5 सितंबर 2023 को रिलीज होगी फिल्म।
कमाल राशिद खान के सपोर्ट में उतरे शत्रुघ्न सिन्हा बोले वो साजिश का शिकार हुए हैं, उन्हें जल्द न्याय मिलना चाहिए। सलमान ने हाथों में ग्लास लेकर की पार्टी में एंट्री, पैपराज की देख पॉकेट में झट से छिपाते आए नजर। फिलहाल 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।